children, this is the chapter number 4 of your geography book and we are studying about the climate. In the previous video, we had studied about the climate, weather, monsoon of India. And now today we will read about the factors affecting India's climate. So, latitude, the first factor of which affect the climate. The Tropic of Cancer passes through the middle of the country from the run of Kutch in the west to Mizoram in the east. Almost half of the country lying south of the Tropic of Cancer. Therefore, India's climate has characteristics of tropical as well as subtropical climates. Children, you have to read the chapter deeply and carefully. I will give you only summary. So, फर्स्ट फैक्टर जो है वो जो क्लाइमेट को अफेक्ट करता है वह है लैटिट्यूड. हमारा जो भारत है वह वहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो मिडिल से होकर के गुजरती है जो कि वेस्ट में रन ऑफ कच्छ से लेकर के ईस्ट में मिजोरम तक जाती है और यहाँ मिजोरम तक वह पहुँचती है और इसके बाद उसका बहुत सारा पार्ट जो हाफ लगभग जो हाफ पार्ट है वो साउथ में टच करता है और ट्रॉपिकल एरिया को बिलोंग करता है. अब हाँ, इसलिए हमारा जो भारत है उसकी क्लाइमेटिक कंडीशंस जो होती हैं ट्रॉपिकल होती है और इसके साथ साथ सब ट्रॉपिकल भी होती है. नाउ एल्टीट्यूड, इंडिया हैज़ माउंटेन्स टू द नॉर्थ विच हैव एन एवरेज हाइट ऑफ अबाउट 6,000 मीटर्स. द हिमालय प्रिवेंट द कोल्ड विंड्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया फ्रॉम एंटरिंग द सब कॉन्टिनेंट. इट इज़ बिकॉज ऑफ दीज माउंटेन्स दैट दिस सब कॉन्टिनेंट एक्सपीरियंस इज कंपेरेटिवली माइल्डर विंटर एज कम्पेयर टू सेंट्रल एशिया. अब जो हमारे भारत में माउंटेन्स रेंजेस हैं वो नॉर्थ में स्थित हैं और आपको मालूम है कि उनकी हाइट जो है एवरेज वो लगभग 6,000 मीटर की है. हमारे भारत के उत्तर में जो हिमालय स्थित है वह सेंट्रल एशिया से आने वाली कोल्ड विंड को एंटर करने से रोक लेता है और इसीलिए वहाँ की अपेक्षा जो हमारे भारत में है वहाँ पर कम ठंड का अनुभव होता है. प्रेशर एंड विंड्स, द क्लाइमेट एंड एसोसिएटेड वेदर कंडीशंस इन इंडिया आर गवर्न्ड बाय द फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक कंडीशंस. प्रेशर एंड सरफेस विंड्स, अपर एयर सर्कुलेशन एंड वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेज एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन्स. इंडिया लाइज इन द रीजन ऑफ नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स. तो भारत की क्लाइमेटिक कंडीशंस जो है वो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस पर डिपेंड करती है और यह एटमॉस्फेरिक कंडीशन जो है यह प्रेशर और सरफेस विंड्स, अपर एयर सर्कुलेशन एंड वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन्स. इंडिया लाइज इन द रीजन ऑफ नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स. दीज विंड्स ओरिजिनेट फ्रॉम द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट टू द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. दे ब्लो साउथवर्ड्स, get deflected to the right due to the Coriolis force and move towards the equatorial low pressure area. Generally, these winds carry little moisture as they originate and blow over land. Northern easterly winds जो होती हैं वो northern hemisphere के high pressure belt से चलती हैं और southward ये right की तरफ मुड़ जाती हैं Coriolis force के कारण. Coriolis force, an apparent force is caused by the earth's rotation. The Coriolis force is responsible for deflecting winds towards the right in the northern hemisphere and towards the left in the southern hemisphere. This is also known as Farrell's law. अर्थ के रोटेशन के कारण एक फोर्स काम करता रहता है वो फोर्स कोरियोलिस फोर्स कहलाता है. कोरियोलिस फोर्स जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है विंड नदर हेमिस्फीयर में विंड को राइट साइड टर्न करने के लिए और सदर्न हेमिस्फीयर में टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड. और यह जो नियम है इसे फेरल्स लॉ भी बोला जाता है. The pressure and wind conditions over India are unique. During winter, there is a high pressure area north of the Himalayas. Cold, dry winds blow from this region to the low pressure areas over the oceans to the south. In summer, a low pressure area develops over interior Asia as well as over northwestern India. This causes a complete reversal of the direction of wind during summer. Air moves from the high pressure area over the southern Indian Ocean in a southeasterly direction.
crosses the equator and turns right towards the low pressure areas over the Indian subcontinent. These are known as the southwest monsoon winds. These winds blow over the warm oceans, gather moisture and bring widespread rainfall over the mainland of India. So children, हमारे देश का प्रेशर और विंड कंडीशन बिल्कुल यूनिक है. विंटर के समय में हिमालय जो कि उत्तर में है उससे हाई प्रेशर एरिया बन जाता है और कोल्ड ड्राई विंड्स जो है वो इस रीजन से लो प्रेशर एरिया की तरफ साउथ की तरफ चलने लगती हैं. और समर में लो प्रेशर एरिया डेवलप हो जाता है सारे इंटीरियर एशिया में और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया की तरफ वो चलने लगती हैं. दिस कॉजेज द कम्प्लीट रिवर्सिबल, और यह जो कारण होता है वो पूरा कम्प्लीट रिवर्सिबल कंडीशन बना देता है समर के समय में विंड्स की. अब जो एयर है, एयर सदर्न इंडियन ओशियन से हाई प्रेशर से चलती है और इसके बाद साउथ ईस्टर्ली डायरेक्शन में यह पहुंचती हुई इक्वेटर को क्रॉस करती है और फिर अपने राइट साइड में लो प्रेशर एरियाज में ये कन्वर्ट टिल्ट हो जाती है, टर्न हो जाती है और फिर इंडियन सबकॉन्टिनेंट में प्रवेश करती है और इन्हें ही साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स कहा जाता है. जेट स्ट्रीम्स आर लोकेटेड अप्रोक्सीमेटली ओवर 27 degrees to 30 degrees north latitude. Therefore, they are known as subtropical westerly jet streams. Over India, these jet streams blow south of the Himalayas all through the year except in summer. जेट स्ट्रीम्स जो होती हैं वो लगभग 27 डिग्री से 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पर लोकेट होती हैं, इसलिए ये सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स कहलाती हैं. भारत में ये जेट स्ट्रीम्स जो हैं ये हिमालय के साउथ में बहती हैं समर को छोड़कर बाकी पूरे साल. दीज आर अ नैरो बेल्ट ऑफ हाई एल्टीट्यूड अबाउट 12,000 मीटर वेस्टर्ली विंड्स इन द ट्रोपोस्फियर. देयर स्पीड वेरीज फ्रॉम अबाउट 110 किलोमीटर पर आर इन समर टू अबाउट 184 किलोमीटर पर आर इन विंटर. अ नंबर ऑफ सेपरेट जेट स्ट्रीम्स हैव बीन आइडेंटिफाइड. द मोस्ट कॉन्स्टेंट आर ऑफ मिड लैटिट्यूड एंड द सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम्स. अब जेट स्ट्रीम्स क्या हैं? जेट स्ट्रीम्स ट्रोपोस्फियर में लगभग 12,000 मीटर की ऊंचाई पर नैरो बेल्ट में बहने वाली स्ट्रीम्स हैं, हवाएं हैं, विंड्स हैं और इनकी स्पीड जो होती है 110 किलोमीटर पर आर होती है समर में और यही विंटर में 184 किलोमीटर पर आर हो जाती है. वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस. द वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस आर वेदर फिनोमेना of the winter months brought in by the westerly flows from the Mediterranean region. They usually influences the weather of the north and northwestern region of India. A western cyclonic disturbance जो है वो ज़्यादातर winter month में देखने को मिलते हैं जो कि Mediterranean region में ज़्यादा दिखाई देते हैं. ये भारत में north और northwestern region में ज़्यादा तबाही मचाने के लिए आते हैं. द इंडियन मॉनसून. वी विल स्टडी अबाउट द इंडियन मॉनसून इन द नेक्स्ट वीडियो.